गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। मॉर्निंग के 4:30 हो रहे हैं और मैं जाने वाला हूँ लेपर्ड ट्रेल्स अपने फ्रेंड के साथ में। यहाँ से 40 या 45 किलोमीटर पड़ता है, एग्जैक्टली पता नहीं है, बट हाँ 40 या 45 किलोमीटर ही पड़ता है। और वहाँ पे मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एक मिनी हिल स्टेशन वाली फीलिंग आती है और वहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। छोटा छोटा अरावली माउंटेन्स पे एक ट्रेल बना हुआ है जिस पर आप जाओगे तो बहुत अच्छी वीडियोग्राफी होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज जाके वहाँ पे कवर करूँ। तो मैं जा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड जा रहा है और अभी 4:30 हो रहे हैं मॉर्निंग से। वहाँ जाते जाते 6 या 6:30 बज जाएंगे। तो मैं बाइक से जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ में। मेरा दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहा, ऐसे लग रहा आज भी सोलो ही जाना पड़ेगा। मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन होगा क्या, आधे रास्ते में जब मैं पहुंच जाऊंगा ना मॉर्निंग के 7 या 7:30 बजे, फिर उस कुत्ते के फ़ोन आने वाले हैं, फिर वो रोएगा कि भाई मुझे क्यों नहीं ले गया, क्या नहीं ले गया। तो भाई देख, पहली बोल रहा हूँ फ़ोन उठा ले, अगर 2-4 मिनट के अंदर फ़ोन उठा लेगा तो ठीक है, मैं तेरे पास तेरे को लेने आ रहा हूँ। अगर नहीं उठाएगा तो भाई मैं निकल रहा हूँ यार। सुबह सुबह ऐसे डाउट में मत डाल कि तेरे को लेने आऊँ या फिर मैं अकेला जाऊँ। अभी निकलते हैं, अंकुश को कभी बाद में ले चलेंगे। सुबह थोड़ी ठंड ज़्यादा लग रही थी तो मैंने सोचा कि बारिश वारिश आ जाएगी, तो मैं तो रेनकोट पहन के ही आ गया और ये बहुत अच्छा जैकेट का काम कर रही है। सुबह का टाइम बेस्ट होता है राइडिंग करने के लिए या फिर ट्रैवलिंग करने के लिए। दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है लेकिन सुबह के टाइम तो कुछ भी नहीं मिलता, सो मज़ा आता है और वेदर भी बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होता है। सो इन केस आप अगर दिल्ली से बाहर जाने का प्लान बना रहे हो तो रात को कभी मत बनाना। अगर रात को बनाना है तो लेट नाइट निकालना, लेकिन रात में थोड़ा सा मामला रिस्की हो जाता है, इसीलिए मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकलोगे तो वो सबसे बेस्ट होता है, मैं तो यही करता हूँ। देख रहे हो रेड लाइट भी सारी की सारी ग्रीन होती है, तो आपको रेड लाइट पर भी नहीं रुकना होता और आप बिल्कुल उड़ते उड़ते पहुँच जाते हो। और जितनी भी मतलब एक दिल्ली में आपको जितना रात को डबल टाइम लगता है जिस लोकेशन पर पहुँचने में ना, उससे 1/3 टाइम लगता है आप रात में या अर्ली मॉर्निंग में उस लोकेशन पे बहुत ईजिली पहुंच जाते हो। इसलिए अर्ली मॉर्निंग और आपका मूड भी बहुत फ्रेश होता है और एक आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। बाकी ये देखो मेरा दोस्त मयंक पता नहीं कहाँ जा रहा है अपनी सेंट्रो लेके सुबह सुबह। अरे चंचे को भी नींद नहीं आ रही, ये कहाँ ले गया अपनी गाड़ी को, ये मयंक का पीछा कर रहा है क्या। अरे यार इन दोनों ने मेरे को बताया नहीं कि ये दोनों भी मेरे साथ में चल रहे हैं, ये सही है। और ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हो ये सारा ITC मौर्य और ताज प्लेस का होटल्स हैं। रात को तो ज़्यादा इस टाइम पे तो कोई दिखने वाला नहीं है, ये ITC मौर्य है, कोई नहीं है रात को, मतलब सुबह सुबह कोई नहीं है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी लाइटिंग करी हुई है, सही है। चलो भैया रोड पे ध्यान देते हैं। अर्ली मॉर्निंग का सुबह का ये टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस टाइम में जो एक आपको सुकून, एक आपका जो माइंड में बिल्कुल एक नो थॉट वाला जोन होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन करे क्या, इस टाइम पे हमारी आंखें नहीं खुलती। ये मैंने गुड़गांव क्रॉस कर लिया है और यहाँ से 15 या 16 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी बचा हुआ है। मैं थोड़ा सा पानी पीने के लिए रुका हुआ हूँ, थोड़ा सा वाटर ब्रेक है और थोड़े से फ़ोटोज़ और थोड़े से टाइम लैप्स लेंगे और वही थोड़ा सा शूट के लिए रुका हुआ, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। तो अपनी देखो ये मेरी छोटी सी शार्क, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को और मेरा बहुत साथ देती है हमेशा। मतलब मैं तो सोलो ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन ये है बस थोड़ा सा, इसको कैसे भी रफ ड्राइविंग कर लो, कहीं पे भी ऑफ रोडिंग कर लो तो काफ़ी अच्छा साथ देती है। और पिकअप बहुत अच्छा है इसका और ब्रेकिंग तो इसके बिल्कुल एकदम कमाल है। Oh,
गया हूँ, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है हिल स्टेशन में आ गया हूँ। बहुत ऑसम रोड है, गाड़ी भगा सकते हो लेकिन ब्रेकर्स काफ़ी हैं यहाँ पे, तो राइडिंग के पर्पज से तो नहीं आया हूँ। सीरियसली मैन, मतलब यार ये बहुत ज़्यादा ऑसम प्लेस है। पीछे अब देखोगे ना यार, पीछे व्यू देखो मेरा, कितने अच्छे माउंटेन्स हैं। लोग मॉर्निंग वॉक पे आ रहे हैं यहाँ पे, लोग साइकिलिंग पे आ रहे हैं। अगर मेरे घर के पास होता ना, सीरियसली वहाँ टॉप पे बैठ के मेडिटेशन करता। ऊपर जो पहाड़ जा रहे हैं हम, नॉर्मली उसमें ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। उसका रास्ता आगे से है, उस साइड से वहाँ से कहीं ऊपर जा रहा उसका रास्ता। लेकिन अकेला हूँ तो मैं तो ट्रैकिंग करने तो आया नहीं हूँ। अगर फ्रेंड्स के साथ होता तो थोड़ा एडवेंचर, बाइक खड़ी करो, ऊपर जाओ, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इतना मेरे को दिखाना नहीं है आप लोगों को। सीधा रोड पे जाऊँगा, ढाबे में कुछ खाना वाना खाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। इतना ही प्लान था, तो ज़्यादा नहीं करेंगे। गर्मी लग रही है भैया, तो जैकेट उतार भी जाए ज़रा सी। भैया सिर्फ घर से निकला तो ठंड लग रही थी और बारिश का भी फील हो रहा था, तो मैंने कहा जैकेट वैकेट उतार देते हैं। जितना ज़्यादा मॉर्निंग में आएंगे ना, उतना ज़्यादा बेटर चिड़ियाओं की आवाज़ फील होगी और बहुत ज़्यादा ऑसम फील होगा जितना ज़्यादा मॉर्निंग में आओगे। और आपको खाली प्लेस भी दिखेगा, ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे। एक्चुअली हम होता क्यों है, हम यहाँ पर आते हैं इसलिए कि हमको थोड़ा सा पीस मिल जाए, थोड़ी शांति फील हो। और जैसे जैसे मॉर्निंग ख़त्म होने लगती है, दिन आने लगता है, वैसे वैसे लोगों का एक क्राउड सा बढ़ जाता है। तो दिल्ली में तो यार वैसे भी हम इतना क्राउड देखते ही हैं, तो जितना जल्दी आओगे यहाँ पे उतना ज़्यादा बेटर पड़ेगा। अगर इसको भाग के एकदम से कंप्लीट कर दूंगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए इसको स्लोली स्लोली हम कैप्चर कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है ना जैसे पता नहीं माउंटेन्स में ही आ गया हूँ, और थोड़ी देर बाद अपने उत्तराखंड के पहाड़ स्टार्ट होने वाले हैं। पर मुझे पता है ये अरावली माउंटेन्स हैं, ये तो इतना ज़्यादा इसकी हाइट कुछ नहीं होगी लेकिन बहुत ज़्यादा ऑसम है। वैसे ना मेरे को सोलो में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप घूमने जाओ ना और आपके दोस्त पूछ लें आपसे कहाँ जा रहे हो, तो उनको आने का मन करता है और मेरे को ना बोलना थोड़ा सा कम आता है। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि यार हर जगह सोलो ही जाऊँ, लेकिन जब भी फ्रेंड्स तुम्हारा प्लान सुनते हैं ना तो पहले ही बोल देते हैं मैं भी आ रहा हूँ, तो उस चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ से निकल रहा हूँ और आगे थोड़ा सा शूट करूँगा, फिर कुछ खाएंगे और जैसे भी होगा वैसे देखते हैं। सो मेरा प्लान है कि मैं जाके पहले ये पूरा का पूरा रोड एंड करूँगा और उसके बाद में बीच में एक वो पड़ रहा है कोई राठी ढाबा करके। मैंने लोगों से पूछा कि कौन सा ढाबा बेस्ट है, तो वो बता रहे हैं कि राठी ढाबा बेस्ट पड़ेगा। सो राठी ढाबा में जाऊंगा और लास्ट में चाय वाय वहीं पे पियेंगे। मेरा एक पराठा है, एक चाय है और एक मैगी देखती हूँ, ठीक है। मैं मेरे को आवाज़ मारती हूँ भाई, ठीक है। मेरा नाम नवीन है, नवीन।